ए आकाशवाणी ए खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर महाखेल च हिस्सा लैण वालियां नूं संबोधन कीता है। उन्हां दा कहना है कि आखिरकार खेडां नूं सियासी पहलू दी बजाय अथलीट दे पहलू तों देखिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कल बेंगलुरु च भारतीय ऊर्जा हफ्ते 2023 दा उद्घाटन करनगे। बिजली मंत्री आरके सिंह ने जीवी पाईवाला नूं आलमी तपिश अते जलवायु तब्दीली खिलाफ रल के लड़न लई कहा है। भारत ने अपनी आर्थिक सहायता स्कीम तहत श्रीलंका नूं 50 होर बसां डिलीवर कीतियां ने। चिली च जंगली अग च घट्टो घट 23 लोग मारे गए ने। सैफ अंडर 20 औरतों की फुटबाल च भारत ते बांग्लादेश दरमियान मैच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल दे युग विच देश नवीं परिभाषावां कर रहा है अते एक नवा निजाम सिरज रहा है। अज जयपुर महाखेल दे समाप्ति समारोह नूं संबोधन करदिया प्रधानमंत्री ने जोर दे के कहा कि आखिरकार खेडां नूं एक सियासी नजरिए दी थां खिडारी दे पहलू नाल देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नौजवानों लई कुछ भी असंभव नहीं है अते उन्हां दी समर्था आत्म सम्मान आत्म निर्भरता सहूलता ते वसीलियां दी ताकत असलियत च बदलदी है तां हरेक उद्देश वधेरे सुखाला बन जांदा है। उन्होंने खुलासा किया कि देश का खेड बजट 2014 तो बाद तकरीबन 3 गुणा वध्या है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नौजवानों कोल खेडा लई जनून ते प्रतिभा हुंदे सन पर आम तौर ते वसीलियां दी घाट अते सरकारी सहयोग दी कमी हर वार राह दा अड़ीका बन जांदियां सन। हुण खिडारियां दियां इह चुनौतियां हल हो रहियां ने। उन्हां कहा कि केंद्र सरकार जिला ते स्थानक पद्धर ते खेड सहूलतां वधा रही है अते खेड बुनियादी ढांचा उसारिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इह यकीनी बनाउण कि फंडां दी घाट करके कोई खिडारी पिछे ना रहे लई खास ध्यान दे रही है। वड्डे खेड सन्मानां विच दित्ती जाण वाली रकम भी 3 गुणा वधाई गई है। श्री मोदी ने कहा कि तंदुरुस्ती ना सिर्फ खेडां लई सगों आम जीवन लई भी बहुत ज्यादा अहम है। इसे करके खेलो इंडिया दे नाल फिट इंडिया भी देश लई एक वड्डा मिशन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश नौजवानों दे सर्वपक्षी विकास लई काम कर रहा है। 12 जनवरी नूं शुरू हुए जयपुर महाखेल विच जयपुर देहाती इलाके दे 6000 तों वध खिडारियां ने हिस्सा लिया। जयपुर देहाती तों पार्लियामेंट मैंबर राज्यवर्धन राठौर ने 2017 विच इह खेडां शुरू कीतियां सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके कर्नाटका का दौरा करेंगे। वह बेंगलुरु च इंडिया एनर्जी वीक भाव भारत ऊर्जा हफ्ता 2023 का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वख-वख विकास पहलकदमियां का नींह पत्थर भी रखेंगे। इंडिया एनर्जी वीक 6 तो 8 फरवरी दरमियान होगा। इसका उद्देश्य ऊर्जा के तबादले के पावर हाउस वजो भारत के वध रहे कौशल का विखाला करना है। इस समारोह च रवायती अते गैर रवायती ऊर्जा सनत सरकारा अते अकादमिक खेतर तो आगू इकट्ठे होणगे अते एक जिम्मेवाराना ऊर्जा तबादले करके खड़ियां हुंदियां चुनौतियां अते मिलण वाले मौकियां बारे विचार वटांदरा करनगे। इस दुनिया भर तो 30 तो वध मंत्री हिस्सा लैणगे। 30,000 तो वध डेलीगेट 1,000 नुमाइशकर्ता 500 तो वध बुलारे इकट्ठे होणगे अते भारत दे ऊर्जा भविख दीआं चुनौतियां ते मौके विचारनगे। बिजली अते नवीं ते नवाणयोग ऊर्जा बारे केंद्रीय मंत्री श्री आरके सिंह ने जीवी मैंबर देशां नूं आलमी तपिश अते जलवायु तब्दीली कारण दरपेश चुनौतियां दा मुकाबला करन लई रल के काम करन लई कहा है। अज बेंगलुरु च ऊर्जा तबादला कारज समूह ईटीडब्ल्यूजी दी पहली मीटिंग विखे मुख संबोधन दिंदिआं मंत्री ने कहा कि भारत हुण साल 2030 तक अपनी जीडीपी दी तीव्रता करके जहरीले गैसां दी निकासी च 45% तक दी कटौती करन अते साल 2030 तक ही गैर पथराटी ईंधण आधारित ऊर्जा वसीलियां तो तकरीबन 50% समुची बिजली दी कायम समर्था हासिल करन लई वचनबद्ध ए। इह दसदे आ कि भारत जलवायु तब्दीली कारगुजारी सूचकांक च चोटी दी कारगुजारी करन वाले पहले 5 देशां च शामिल होया है। श्री आरके सिंह ने जानकारी दित्ती कि देश दी प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस निकासी 2020 च 6.3 टन कार्बन दी विश्व औसत तो किधरे घट ए। बाद विच पत्रकारां नूं संबोधन करदिआं मंत्री ने कहा कि भारत ऊर्जा आधार दी मौजूदा उपलब्धता नाल कोई समझौता नहीं करेगा ते ऊर्जा सुरक्षा हासिल करन लई सारे पहुंचयोग वसीलियां दी भाल करेगा। इस गल दा जिक्र करदिआं कि विकासशील देशां च 60 तों 70 करोड़ लोग ऊर्जा सुरक्षा तों हाला वी वांझे ने अते जदों तक इन्हां लोकां नूं किफायती दर ते साफ सुथरी ऊर्जा
तक पहुंच नहीं दिती जांदी वो साफ सुथरी ऊर्जा नू नहीं अपनाउणगे। अपने विशेष संबोधन विच पार्लियामेंट्री मामलिया कोले अते खाना बारे केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने साफ सुथरी ऊर्जा तक आलमी पहुंच हासिल करन लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत ते जोर दिता है। एक खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु रविदास जी की जन्म वरेगंढ मौके नागरिकां नूं वधाई दित्ती है। एक संदेश विच राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास जी ने सख्त मेहनत नूं रब बराबर मन्या अते जात ते धर्म दे वितकरे तों मुक्त एक बराबरी वाले समाज दा सुपना देखिया। उन्होंने नागरिकां नूं अपने जीवन च समाजिक सुहिरदता दीआं सिक्ख्यावां नूं शामिल करन दी अपील कीती। श्री धनखड़ ने कहा कि सभ्याचारक विरासत नूं होर अमीर बनाउण च उन्हां दा योगदान आउंदियां पीढ़ियां लई इक रहनुमा रोशनी वजो रहेगा। संत रविदास जी नूं श्रद्धांजलि भेंट करदे हैं। ट्वीट विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महान संत अते कवि दी सोच मुताबिक एक न्यायपूर्ण सुहिरद अते खुशहाल समाज लई अपना अहद दोहराया। उन्हें ए भी कहा कि सरकार वख-वख पहलकदमियां राही गरीबां दी सेवा कर रही है अते उन्हां दा शक्तिकरण कर रही है। भारत ने कल श्रीलंका का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने बाद आज सवेरे राष्ट्रपति सकत्तरेत विखे अपने आर्थिक सहायता स्कीम तहत श्रीलंका नूं 50 होर बसां सौंपियां ने। भारत के हाई कमिश्नर गोपाल बागले ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे नूं ए बसां सौंपियां। कमर्शियल वाहन निर्माता अशोक लेलैंड ने श्रीलंका ट्रांसपोर्ट बोर्ड नूं 500 बसां सप्लाई करने लई ठेका प्राप्त किया है, जिन्हां चों 75 बसां पहलां ही इस साल के शुरू च टापू देश नूं दित्तियां जा चुकियां ने। चिली के केंद्रीय हिस्से विच तेज लू मगरों जंगल च लगी भयानक अग विच घट्टो घट 23 लोग मारे गए ने। एक सीनियर अफसर ने कहा है कि चिली ने एमरजेंसी लाई है। हुक्मां मुताबिक एक कुदरती आफत नाल निजठण लई फौजी तैनात किए गए ने ते वाधू वसीले लाए गए ने। 250 विदेशी अते भारतीय डेलीगेटा अते असाम तो 400 कॉलेज विद्यार्थियों समेत 1500 तो वध लोग Y20 दी इनसेप्शन मीटिंग च हिस्सा ले रहे ने। Y20 नौजवान लोगों को एक बेहतर कल लई समकाली मुद्दों ते जीवी तरजीहां ते अपने विचार प्रगटाउण लई एक मंच मुहैया करेगी। Y20 इनसेप्शन मीटिंग तो पहला Y20 दे शनाख्त कीते गए विषयां ते राष्ट्रभर च कॉलेजां ते यूनिवर्सिटियां विखे विचार वटांदरे बहसां रैलियां ते चित्रकारी अते क्विज मुकाबले कराए गए। Y20 दे विषय ने काम दा भविख, सनत 4.0, कार्ड अते 21वीं सदी, जलवायु तब्दीली अते आफत दा जोखम घटाउणा, निरंतरता नूं इक जीवन जांच बनाउणा, अमन कायम करना अते सुलह सफाई, कोई जंग ना होण दे इक युग च दाखल होना, सांझा भविख, लोकराज अते शासन च नौजवान अते सेहत तंदरुस्ती ते खेडा नौजवानां लई एजेंडा। भारतीय कंट्रोलर ते ऑडिटर जनरल कैग पलके तो लखनऊ विच शांघाई सहयोग संगठन SCO सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस नेतावां दी 6वीं मीटिंग दी मेजबानी कर रहा है। इस मीटिंग विच हिस्सा लै रहे SCO SAI दे 8 मैंबर देशां चों 4 देशां किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ते उज़्बेकिस्तान आदि तों SAI दे मुखियां वल्लों भारतीय कैग दे नाल इस 3 दिना बहुतरी प्रोग्राम विच हिस्सा लैण दी उम्मीद है। भारत दे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कल लंदन च बरतानिया दे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो नाल मुलाकात कीती। एक विशेष सद्भावना प्रगटावे वजों बरतानिया दे प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक भी इस मीटिंग च शामिल होए। पाकिस्तान दे साबका राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ दा एक लंबी बीमारी दे बाद अज दुबई च देहांत हो गया। 79 साल दे सन। मुशर्रफ दा दुबई दे एक अमरीकी अस्पताल च इलाज चल रहा सी। मुशर्रफ 2001 तो 2008 तक पाकिस्तान दे राष्ट्रपति रहे। फुटबॉल विच अज ढाका च दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन स्टाफ Under-20 औरतों की चैंपियनशिप च भारत का बांग्लादेश नाल मुकाबला जारी है। पहला भारत ने अपने पहले मैच विच भूटान नूं 12-0 नाल हराया है। आखिर च खास खबरां एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर महाखेल च हिस्सा लैण वाले नूं संबोधन किया। उन्हां दा कहना है कि आखिरकार खेडां नूं सियासी पहलू की बजाय अथलीट के पहलू तों देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री कल बेंगलुरू च भारतीय ऊर्जा हफ्ते 2023 का उद्घाटन करेंगे। बिजली मंत्री आरके सिंह ने जीवी पाईवाला नूं आलमी तपिश ते जलवायु तब्दीली खिलाफ रल के लड़न लई कहा। भारत ने अपनी आर्थिक सहायता स्कीम तहत श्रीलंका नूं 50 होर बसां डिलीवर कीतियां ने। चिली च जंगली अग च घट्टो घट 23 लोग मारे गए ने ते सैफ Under-20 औरतों की फुटबॉल च भारत ते बांग्लादेश दरमियान मैच जारी है। इसे नाल आकाशवाणी तो खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है।